यूज अलकबीर ऑर्चर्ड के वाले से आज मैं आपके साथ बहुत दिलचस्प अपडेट और मालूम शेयर करूंगा। सो so, व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स की वीडियो के वाले से अपडेटेड रह सकें असलम व्यवर्स इज़ रेख फ्राम स्का रियल्टर हमीद आप सब खे से होंगे वीरस अलकबीर ऑर्च के वाले से आज मैं आपके साथ बहुत दिलचस्प अपडेट और मालूम शेयर करूँगा व्ययर्स अलकबीर ऑर्चड के वाले से पच्चीस नवंबर को एक सरमनी मुनदद होनी थी जिसमें उसकी मेन एंट्रेंस के हवाले से अपडेट फ्राह्म करनी थी और बाकायदा उसका इनाग्रेशन करना था और साइट का जो विज़िट करवाना था या उसको हाईलाइट कर देना था कि ये हमारा एरिया है यहाँ से हम इसको एंट्रेंस दे रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से अलकबी डेवलपर्स के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनके बैरून मुल्क जो है ना वो सफ़र की वजह से किसी एमरजेंसी में जो उनको जाना पड़ा उस बिना पे वो जो इवेंट था वो थोड़ा सा डिले हो गया वो थोड़ा सा डिले का शिकार हो गया अब वो इवेंट जा रहा है होने जनवरी में फिर जनवरी में जब ये इवेंट होगा तो पहले की तरह उसी तरह प्राइसेस पे बूम आएगा जबकि इसके इवेंट के ना होने की वजह से कई नेगेटिव क्या सराइयाँ शुरू हो गई जिस बना पे मार्केट में तीन मरला और पाँच मरला दोनों के रेट्स डाउन हो गए दोनों की मार्केट को इफेक्ट पड़ा इस वक्त पाँच मरला जो है वो काफ़ी माइनस पे आ चुकी हुई है तकरीबन सेवेंटी टू एटी माइनस पे फ्लोट कर रही है लेकिन जो इस वक्त अच्छी न्यूज़ ये है वो ये है कि जनवरी के मिड में 15 जनवरी के आगे पीछे इसका जो इवेंट है वो दोबारा से हो रहा है और इसकी बाकायदा जो मेन जी रोड से जो एंट्रेंस दे रहे हैं उसकी भी दोबारा से अनाउंसमेंट हो जाएगी और वो साइट को रिवील कर दिया जाएगा लोग पैनिक हो गए जिस वजह से रेट गिर गया और रेट गिरने की वजह से मज़ीद लोगों में पैनिक आ गया और लोग मायूस हो गए या परेशान हो गए और उनमें एक अजीब सी एक फ्रस्ट्रेशन हो गई कि अचानक से रेट क्यों गिर गया जबकि तीन मरला जो कि स्टेबल थी ओन पे तीस से पैंतीस हज़ार ऊन पर स्टेबल थी वो भी नीचे गिर गई ये सब उस एक छोटे नेगेटिव जो इवेंट ना होने की वजह से बिल्ट हुआ जिसकी वजह से सारी सिचुएशन और ये मामला ये बन गया रेट के नीचे आने का लोग परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं होगा सब बेहतर होगा इन सिर्फ फिफ्टी ऑफ जनवरी तक आपको वेट करना है अपनी फाइल्स को बेचना नहीं है लोग आपसे आपको नेगेटिव जो है ना वो बयानियाँ बता के नेगेटिव चीज़ें बता के आपसे कम पैसों पे नेगेटिव रेट्स पे आपसे फ़ाइल्स परचेस करेंगे आपके हाथ से फाइल्स ले लेंगे जबकि आपने फ़ाइल्स नहीं सेल करनी इसको होल्ड करें इसका फ्यूचर ब्राइट है और आगे मज़ीद वहाँ पर डील्स आ रही हैं बहुत हीज रकमा इन्होंने परचेस किया हुआ है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें कोई शक नहीं है लीगल कोई टेंशन नहीं है उसके अलावा टेक्निकल कोई इशू नहीं है इसमें और कंस्ट्रक्शन या इसका जो डेवलपमेंट है उसके वाले से कोई इशू नहीं है तो ये क्या सराइया है सिर्फ जिसकी बना पे रेट गिरा के नीचे रेट पे फाइलें क्लाइंट से खरीदी जा रही हैं और ये डीलर्स कर रहे हैं ये चंद एक डीलर हैं जो क्या सराई करके नीचे रेट पे आपसे फाइल लेना चाह रहे हैं सो व्यूअर्स नेक्स्ट डील्स भी आ रही हैं जिस जिसकी प्राइसेस जो है ना अप हो जाएंगी जैसे होगा साढ़े दस लाख रुपए का उन्होंने तीन महीने का प्लॉट लॉन्च किया तो उसकी प्राइस बढ़ के पंद्रह लाख रुपए के करीब करीब जो है ना ने ये नेक्स्ट डील में देंगे सो so ऑब्वियसली इस वक्त जो ये साढ़े दस लाख की जो इन्होंने डील निकाली थी दो लाख जिसकी राउंड पेमेंट है उसका फ्यूचर मज़ीद ब्राइट होगा सो मजीद आप फ़ाइल लेनी हो या अगर आप सेल करना चाहते हैं ज़्यादा नेगेटिव हैं और ज़्यादा परेशान हो गए तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बाकी मुलाकात होगी अगले वीलॉग में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए असल